तो आज जा रही हूँ मैं चिकन मलंग बनाने के लिए। मतलब मेरी अम्मी मुझसे परेशान है कि मैं चिकन के इतने ऐसे ऐसे नाम रखती हूँ, बहुत हंसती हैं। तो मैं चिकन का क्या ही नाम रखूँ, इतने सारे चिकन बनाते हैं, मेरे घर में ज़्यादा चिकन ही खाते हैं। तो जिसके लिए हमें चाहिए चिकन, तो चिकन को मैंने इस तरह से क्लीन कर ली हूँ। और इसमें चाहिए हमें, फातिमा भी बता रही है, शिमला मिर्ची चाहिए। तो शिमला मिर्ची को भी इस तरह से मैंने शेप में गोल गोल राउंड राउंड कट कर ली हूँ, बीज से इसके अंदर का बीज निकाल के। और टमाटर के छिलके उतार के वो भी मैंने इस तरह से राउंड राउंड कट कर ली हूँ। और इस तरह से कांदे भी मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में गोल गोल कट कर ली हूँ। और इसमें जाएंगे मसाले जो हम चिकन में रेगुलर डालते हैं, वही सारे मसाले जाएंगे। बाकी बाद में हम थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा कुछ मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन एक पूरा भर के चम्मच, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी छोटा चम्मच, गरम मसाला एक बड़ा चम्मच, धनिया और मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसमें दो मिर्ची यूज़ करी हूँ, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी, तो इसके लिए मैंने रेड वाली मिर्ची कम ली हूँ। ये गैस पे रख दी हूँ मैंने पतीली, उसमें मैंने तेल ऐड कर दी हूँ। मैंने इसका नाम मलंग इसलिए रखी हूँ, इसमें सारी चीज़ें ना अपनी मस्ती से और मर्जी से पकेंगे। अब गैस का फ्लेम तेल हो चुका है, मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी टमाटर। बाद इसके अंदर जाएंगे कांदे, कांदे की बार इसमें जाएंगे शिमला मिर्ची, और फिर इसमें जाएगा ये हरी मिर्च। तो देखिए ये चुपके से इसके अंदर चिकन की छोटी सी पीस चली गई थी, क्योंकि मैंने मिर्ची वो चिकन के अंदर काट के रखी थी। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ, और गैस का फ्लेम मैंने स्लो ही रखी हूँ। अब इन सारी चीज़ों को मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं कवर करके पका लूँगी इसके सॉफ्ट होने तक। मतलब हमें इसको लाल नहीं करना है, पीला नहीं करना है, गुलाबी नहीं करना है, इसको बस पकाना है जो अच्छे से ढक्कन कवर होने के बाद पक जाएंगे। तो चलें हम इसे चेक कर लेते हैं। देखें ये थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, और इससे क्या होगा पता है, सारी चीज़ों का फ्लेवर है ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मतलब घुल जाता है, वैसे ही घुल जाएगा। और आपको इसके अंदर सारी चीज़ों का टेस्ट आएगा, जैसे शिमला मिर्ची, कांदा, टमाटर, हरी मिर्च। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में पक जाती हैं, तो इसमें से स्मेल भी बहुत अच्छी और बढ़िया सी आती है। देखें सारी चीज़ों को फिर हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, और इस तरह से फिर हम इसको कवर करके फिर छोड़ देंगे। तो चलें इसे फिर मैं ढक्कन हटा के एक बार वापस से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए अभी तक मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक के पकाई हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम फास्ट कर दूँगी, क्योंकि इसके अंदर मतलब जब हम कांदा या टमाटर डालते हैं ना तो उसमें पानी छोड़ते हैं, तो ये जो पानी छोड़ा था वो इसमें अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन। अभी वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, मैं अल्लाह ताला की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला के बाद मैं आप तमाम लोगों का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों के दिलों में मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए मोहब्बत डाली, कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की भी, और इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की और मेरे अल्लाह ताला के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जिस मुकाम पर जाना चाहती हूँ उस मुकाम के लिए तो सपोर्ट चाहिए ही, बाकी अल्लाह ताला तो खैर करने के लिए है ही है, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो होगा मेरे नसीब में। इसके अंदर ऐड कर दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप लोग भी डिशेस बना के ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनते हैं चिकन। और इसे आप अपनों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि वो भी इस तरह से बढ़िया बढ़िया से चिकन बनाएं। देखें अच्छी चीज़ और नई चीज़ सीखने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी खाना बनाती थी, ऐसे नहीं मैं बहुत एकदम परफेक्ट हूँ, मैं भी खाना बनाती मतलब जो आप किसी फील्ड में अगर आप जाओगे, किसी चीज़ को आप करते हो, किसी काम को करते हो, तो करते करते आप उसमें इम्प्रूव होते जाते हो।
तो मैं भी बनाती थी खाना माशाल्लाह से। मेरे सारी ख्वाहिशात मतलब जो जो मुझे सीखना था अपनी ज़िंदगी में मैंने सबको सीखा। मुझे सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, पेंटिंग आती है, ग्लास पेंटिंग आती है, और पार्लर का भी मैंने कोर्स किया। मतलब जो चीज़ें मैं सीखना चाहती थी अपनी लाइफ में मैंने सब कुछ सीखी थी, सब कुछ सीख चुकी हूँ, सीखी थी। और मैं घर में मतलब यूं ही रहती थी, सिलाई वगैरह करती थी। तो फिर मेरे भाई ने मुझे ये आइडिया दिया कि तू घर पे रहती है, खाना अच्छा बनाती है, तो वीडियो डाल, अच्छा है तेरा मतलब अच्छा होगा। तो माशाल्लाह से मतलब मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे खाना बनाना है, सिलाई करना है, मेहंदी लगाना है, मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मेरी इस कोशिश में कामयाबी का कुन डाला है। और मुझे मतलब इतनी खुशी होती है ना जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, वो एक नंबर जब बढ़ता है, जैसे 400 हो गया, 401, जब मैंने ज़ीरो से स्टार्ट की थी 1 2 3 4 5 6 और मुझे हो चुके हैं 6 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है कि मेरे 413 आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ ये थोड़े और नंबर बढ़े और ताकि मेरे चेहरे पे और खुशी आए। तो चलें, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं गैस का फ्लेम वापस से स्लो कर दूँगी। चिकन है ना वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए चिकन पकने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। हम चिकन को मतलब अगर खाना है फटाफट बनाना है कोई चीज़, जैसे मटन में वक्त लगता है, लेकिन चिकन में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो आप ये भाप से पक जाता है, बहुत जल्दी बनता है, बट जो बड़ी बड़ी पीसेस रहती है ना उसको थोड़ा पकने में अंदर से हार्ड रहता है, तो इसके लिए टाइम लगता है। अगर आप छोटी मुर्गी लेते हो ना तो उसका गोश्त सॉफ्ट रहता है, और जो बड़ी मुर्गी रहती है ना उसका गोश्त थोड़ा हार्ड रहता है, तो पकने में थोड़े से टाइम लेते हैं ताकि अंदर तक अच्छे से गल जाए गोश्त। तो देखिए अब मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूँगी और वापस से मैं इस ढक्कन से चिकन को कवर कर दूँगी। तो मेरी बातें भी इसी के साथ ख़त्म होती है, फिर हम आगे मिलते हैं। चले हम चिकन को चेक कर लेते हैं और थोड़ा सी इसे घुमा फिरा भी देते हैं। तो देखिए इसके अंदर पानी इसने छोड़ा है चिकन ने। मैं गैस का फ्लेम फास्ट कर दूंगी और इसी पानी में हम मसाला डाल के चिकन को अच्छे से भून लेंगे। तो ये गए इसके अंदर मसाले। देखिए इसके अंदर जो भी मैं मसाला डालती हूँ वो होममेड रहता है, घर का ही मसाला रहता है, बाहर से मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ खाने में, क्योंकि मुझे बाहर से ज़्यादा घर के मसालों पे ट्रस्ट है, क्योंकि इसे मैं अपनी खुद आँखों के सामने मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन में मैं बनाती हूँ, तो मुझे पता होता है इसके अंदर क्या क्या है और कैसे बढ़िया बनेंगे। तो मैंने गरम मसाले की वीडियो है वो चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, जिसने भी नहीं देखी है जाके देख लें। बढ़िया बढ़िया से मतलब बढ़िया से मसाले होते हैं घर में ही बनाने, और हमें मतलब बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर में इतने बढ़िया से मसाले बन जाते हैं, और उस पर हमें ट्रस्ट भी होता है कि भाई हमने सारी चीज़ें अपनी पसंद से मर्ज़ी से ली है, और कैसी क्वांटिटी में डाली है और क्या क्या डाली है। तो इसके लिए चैनल पे मैंने अपलोड कर दी हूँ गरम मसाले की रेसिपी, तो जिन्होंने भी नहीं देखी है वो जाके चैनल पे देख ले। अब ये मसाला मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ, फिर मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी ताकि ये धीरे धीरे पक जाएं। तो देखें ये मस्ती से ही पक रहे हैं ना, कभी स्लो हो रहे हैं, कभी फास्ट हो रहे हैं, कभी कच्चा जा रहा है, कभी पक्का जा रहा है, मतलब बढ़िया से पक रहे हैं अपनी मस्ती में। तो चले फिर मैं इसको कवर कर देती हूँ, और कवर करके फिर मैं इसे 1 से 2 मिनट पका लेती हूँ। तो चले मसाले को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसमें तेल छोड़ चुका है और मसाले भी वो बढ़िया से हो चुके हैं, गोश्त भी सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम फास्ट कर दूंगी। देखिए इसमें जो भी मैं मसाले ऐड की हूँ और खाने में मैं जो भी मसाले ऐड करती हूँ सारे घर के ही होते हैं। धनिया भी यहाँ तक कि मैं घर में ला के पीसती हूँ, मुझे मार्केट वाला रेडीमेड नहीं पसंद है। चैनल पे देख ले, आप लोग मार्केट से लाना भूल जाएंगे गरम मसाले। आप लोग इसे एक बार ज़रूर बना के घर में ट्राई करें, बहुत ही मतलब लाजवाब होते हैं ये गरम मसाले। आपको बाहर के मसाले फिर खाने में ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। देखिए ये हो गए हैं, अब इसके अंदर थोड़े से मैं कुछ अलग से जो मतलब सॉसेस हैं वो ऐड करूँगी। तो देखिए इसके अंदर जाएगा, मायोनीज, टमाटो केचप और सेज़वान चटनी।
तो देख रहे हैं आप लोग क्वांटिटी कितनी है। तो मतलब क्वांटिटी का कोई मसला नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है, इतना कि मतलब ग्रेवी अच्छे से इसमें हो जाए। ग्रेवी इन द सेंस कि हमें इसको बहुत गीला नहीं, जैसे ये ड्राई रहता है थोड़ा सी, मतलब सिर्फ हल्का सी गीला होगा ये, बाकी वैसे ही भुने जैसा होगा। बढ़िया सी नान के साथ बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। अब इसको डालने के बाद हम गैस का फ्लेम वापस से स्लो कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जो खाएगा ना उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। बहुत देखिए सारे सॉसेस भी जो मैंने इसके अंदर डाली थी वो अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। ये नान के साथ बहुत ही बढ़िया आते हैं और ये ज़ीरा पुलाव राइस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है और चिकन तो मेरे घर में हर किसी का फेवरेट है। देखें अच्छे से इसमें जो सारे सॉसेस थे वो मिल चुके हैं, बस हमने अभी इसी स्टेज पे इसमें क्या करना है, नमक टेस्ट कर लेना है। तो नमक कम है इसमें, मैं नमक ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें ग्रेवी लगा सकते हैं, मतलब पानी डाल के, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस तरह से इसको ड्राई ही सूखा भुना खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों ही बहुत बढ़िया बनते हैं। अब मैं फिर इसे इस तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी ताकि जो नमक है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सी बटर ऐड कर रही हूँ, मतलब नहीं ऑप्शनल है ये, बट मुझे मतलब अच्छा लगता है तो मैं चिकन में थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, तो बस थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपने ज़्यादा डालना है तो भी कोई मसला नहीं है, चिकन और बटर दोनों ही टेस्ट बहुत कॉम्बिनेशन इसका बढ़िया होता है। तो चलें अब मैं इसमें धनिया पत्ती कट करके ऐड कर देती हूँ। देखिए बटर मेल्ट हो चुका है, अब इसके अंदर ये धनिया पत्ती चली गई है और हम इसको मिक्स करके गैस का फ्लेम वो ऑफ कर देंगे। ये मस्ती के साथ और हमारी बातों के साथ चिकन मलंग तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। नान के साथ बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये, तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं और इसे अपने दस्तरखान पे सजाएं और मेहमानों से अपनी तारीफें बटोरें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।